नाज़रीन, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जोर पकड़ता जा रहा है और इसकी वजह एक ही है और वो है मुआशी बहरान। अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर अमेरिका के पास थे जिन्हें तालिबान हुकूमत के बार बार मांगने के बावजूद अमेरिका जो है ये आज भी देने से इनकारी है। अब आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के मुंजमद असासों में से 28 करोड़ डॉलर इमदादी एजेंसियों को मुंतकिल करने की हिमायत की है। वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान का ये जो पैसा है ये तालिबान हुकूमत की बजाय बराह रास्त आवाम को दिया जाए और इसी वजह से गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग में तकरीबन 50 करोड़ डॉलर इंसानी इमदाद की मद में देने का फ़ैसला भी किया गया। जबकि गुज़श्ता दिनों अफगान तालिबान ने अमरीकी हुकाम को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएँ। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने कहा कि अफगानिस्तान का इस वक्त सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो माली मुश्किलात का है जिसकी वजह अमरीका का हमारी आवाम के असासों पर कब्ज़ा है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका उनके मुंजमद असासे बहाल कर देता है तो हमें किसी और मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अफगानिस्तान को जो दरपेश मुआशी चैलेंजेस हैं इन पर भी काबू हम पा सकते हैं। साथ ही तालिबान ने अमरीका को ये भी कहा कि अगर असासे बहाल नहीं किए गए तो अफगानिस्तान की मुआशी बहाली दूसरे आलमी ममालिक की मुश्किलात का भी बायस बन सकती है। नाजरीन, अफगानिस्तान के तकरीबन 4 करोड़ आवाम को इस वक्त शदीद सर्दी में खुराक की किल्लत का सामना है। मुआशी बहरान बदतरीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है और दुनिया अफगानिस्तान में ख्वातीन के हुकूक और दहशतगर्दी के खात्मे पर आलमी कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकराती कमेटियों में शमूलियत कर रही है मगर अफगानिस्तान में जो जारी इंसानी अलमिया है दुनिया इससे भाग रही है, इससे नज़रें चुरा रही है। अफगानिस्तान में मौजूद करोड़ों इंसान अगर किसी सानहे से दो चार होते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसी पर मुझे बात करनी है साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह मोहम्मद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अवाम तक पैसा पहुँचे, उनके जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सके, लेकिन वो डायरेक्ट तालिबान को नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डायरेक्ट आवाम को दिए थ्रू एनजीओज। क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है? देखिए, सब कुछ जो हो रहा है अमेरिका की इमा पर हो रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि तालिबान की हुकूमत कामयाब हो। हाँ। उन्होंने 9.2 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान के अपने बैंकों में मुंजमद कर दिए हैं, उनको रोक दिए हैं और वर्ल्ड बैंक और IMF भी यही कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को पैसे मत दें, लेकिन वहाँ जो एनजीओज और जो UN के डिपार्टमेंट्स हैं उनको बराह रास्त पैसे अब दे दें। ये तो उनको बराह रास्त पैसे देना भी तो अच्छी बात है, लेकिन जो हुकूमत तनख्वाह नहीं दे सकती तो वहाँ पे तो खलबशार होगा, वहाँ पे तो क्राइसिस जन्म लेगा। 3 महीनों से अगर आप किसी को तनख्वाह नहीं दे रहे, उनको ये एहसास नहीं है कि अफगानिस्तान की पुलिस डिसइंटीग्रेट हो गई है, उनको ये एहसास नहीं है कि अफगानिस्तान की फौज डिसइंटीग्रेट हो गई है, उनको ये एहसास नहीं है कि 70% अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको ये एहसास नहीं है कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो इंतहाई गुरबत का शिकार हैं और उनमें से कोई 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो तो उनके लिए तो सामने उनको कहत दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि अमेरिका अगर सिर्फ तालिबान को टफ टाइम देने के लिए सारे इकदाम कर रहा है, उनके जो पैसे हैं उनके जो मुंजमद असासे हैं उसको रिलीज नहीं कर रहा है, तो फिर दुनिया में जो अफगानिस्तान में खवातीन को हकूक के लिए कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, तो क्या सिर्फ इसे एक ड्रामा समझा जाए? देखिए, वो तो अपने अवाम के लिए है, उनके पॉलिटिकल मकासद हैं, वो तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो इतने लिबरल हैं और इतने वो प्रो डेमोक्रेसी हैं और इतने वो ह्यूमन राइट्स के इतने बड़े चैंपियन हैं, लेकिन आप देखें कि उनके पास जवाब क्या है तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज न करना, उनके पास कोई एक रीजन नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि आज भी उन पर 9/11 के जो मुतासरीन हैं, जो उसमें मर गए थे, जो हलाक हो गए थे 9/11 के वाकये में, उनके जो अहले खाना है, उनके लवाहिकीन का आज भी प्रेशर है कि जिन लोगों की वजह से हमारे प्यारे इस दुनिया से चले गए, आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और सबसे बढ़कर फिर आप उनको इमदाद भी दे रहे हैं, ये भी अमेरिका समझता है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर है आज भी उन पे। 9/11 के वाकयात में जो 19 लोग थे उनमें से कोई अफगान नहीं था, उनमें कोई एक अफगान नहीं था,
कोई 9/11 के जो वाकयात हैं उनका कोई एक लिंक तालिबान की हुकूमत से आप नहीं जोड़ सकते। अगर आप जोड़ सकते हैं तो ओसामा बिन लादन तो तालिबान की हुकूमत में उससे पहले 5 महीने पहले जलालाबाद आ गया था, सूडान ने उनको निकाल दिया था, उन्होंने वहां पनाह ली थी। तो उसकी वजह से आप तालिबान की हुकूमत को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। तो ये तो बिल्कुल एक गलत अजम्पशन है। असल बात यह है कि वो तालिबान से बदला लेना चाहते हैं अपनी शिकस्त का, और बदले की सूरत उन्होंने यही निकाली है कि उनको माशी तौर पर इतना कमजोर किया जाए कि जो लोग वहां से भाग गए हैं वारलॉर्ड्स वो दोबारा आएं और रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज करें, और उसके बाद तालिबान उनके पांव पड़े कि आकर हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। ये कभी होने वाली बात नहीं है। पहले भी उन्होंने गलतियां की और अब दोबारा एक बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को साथ इस बात का भी अदराक है, ये रियलाइजेशन है कि माजी की तरह अगर तालिबान अब भी तन्हा रह गए या उन्हें तन्हा छोड़ा गया तो मुस्तकबिल में एक और 9/11 जैसा वाकया हो सकता है। तो इतनी बड़ी रियलाइजेशन के बगैर फिर जानबूझकर अमेरिका ये सब कुछ कर रहा है, अगर ये खदशा है कि दोबारा ऐसा इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। जरा भूख तो बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। देखिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस को अच्छी तरह मालूम है कि 9/11 के वाकयात में तालिबान का कुछ हाथ नहीं था, कुछ कोई हिस्सा नहीं था, न डायरेक्टली न इनडायरेक्टली न कोवर्टली न ओवर्टली। ये जो उनको इस वक्त तंग किया जा रहा है और मुल्कों से कहा जा रहा है, बस बशमूल पाकिस्तान के, और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उनकी बात मान रहा है दर पर्दा कि तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने में जल्दी न करें, तो ये तो वो बदले लेने वाली बात है। वरना 9/11 के वाकयात को जो आपने कहा कि उसको कोई रिपीट कर लेगा, वो तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न तालिबान का उसके साथ कोई ताल्लुक है, न तालिबान को उनकी फिक्र थी, न तालिबान को उसे कोई फायदा पहुंचा। तो 9/11 के वाकयात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो एक बिल्कुल अलहदा चैप्टर हैं। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक है, इसलिए कि लोग जो हैं पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं रिकग्निशन के मामले में, रीजनल ममालिक, और पाकिस्तान वाशिंगटन की तरफ देख रहा है, और चीन भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान में मुहाजरीन भी हैं, पाकिस्तान में अफगान तालिबान अब वाशिंगटन की तरफ देख तो रहा है, लेकिन हम तो अब चाइना की वजह से अब अमरीका को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। डेमोक्रेटिक जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है हमने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, उससे पहले एब्सोल्युटली नॉट। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो खुद रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है, हम उस मुल्क का इंतजार कर रहे हैं और वो अमेरिका चाहेगा कि वहाँ के मसाइल ख़त्म हो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान का उसमें साथ दिया जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में तो पाकिस्तान ने शिरकत न की, अच्छा फैसला किया। उसकी वजह यह है कि ताइवान को उन्होंने इन्वाइट किया, तो ताइवान तो चाइना तो उसको अपना हिस्सा समझता है, तो अगर आप ताइवान को इनवाइट करेंगे तो और उसमें पाकिस्तान भी शिरकत करेगा, इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान भी इस उसको पॉलिटिकल सीन को पाकिस्तान तस्लीम करता है। इसलिए पाकिस्तान ने अपने आप को अलहदा कर दिया। और वैसे भी आप देखें कि अमेरिका का तो हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है साउथ चाइना सी के हवाले से, तो पाकिस्तान तो अब चाइना की तरफ मजीद झुकेगा, पाकिस्तान तो मजीद चाइना की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। और जब अफगानिस्तान से अमरीकी फौज चली गई तो एक बड़ा धचका लगा, और चाइना अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर की तरह उभर रहा है सारे रीजन में, और मुस्तकबिल में यहाँ अमरीका के लिए ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अमरीका ये सब कुछ देख रहा है, इसलिए वो ये समझता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत फेल हो जाती है तो इसके असरात सी पैक पर पड़ेंगे, वन बेल्ट वन रोड पर पड़ेंगे, और चाइना की जो बालादस्ती है उसको चैलेंज किया जा सकेगा, और अमेरिका अपने लिए मजबूत इत्तेहादी ढूंढ सकेगा। यही वजूहात हैं कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को नाकाम देखना चाहता है। अच्छा रुस्तम शाह साहब, जब अमरीका और तालिबान के डायलॉग चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, तो तालिबान को ज़ारा इस चीज़ का तो अदराक था कि मुआशी चैलेंजेस उन्हें दरपेश हो सकते हैं, क्या ये चीज़ें मुआहदे में शामिल नहीं थी? नहीं, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक उसकी बात मुआहदे में नहीं थी, उसमें तो यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा और तालिबान इसकी गारंटी देंगे,
उस पर तालिबान अभी भी कायम है। तालिबान अभी भी कहते हैं कि हम किसी को भी बशमूली तहरीक तालिबान की पाकिस्तान की बशमूली TTP के हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी आउटफिट को किसी मिलिटेंट आउटफिट को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात अमरीका को बता दी गई है। न यहाँ वो कहते हैं कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लिए कोई जगह होगी, न पैदाई महाज के लिए कोई जगह होगी, न दाइश के लिए जगह होगी। और अब देखें कि दाइश को मालूम है कि अब तालिबान जो है उनका पीछा करेंगे, उनको उनको ख़त्म करेंगे, इसलिए तो वो डिस्परेशन में हमले कर रहे हैं, जगह जगह हमले कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनको मालूम है कि यही वक्त है उनके पास। जब तालिबान की हुकूमत मजबूत हो जाएगी तो फिर दाइश को अफगानिस्तान से निकलना होगा। नहीं, आप नहीं समझते कि जो ये मौशी मामलात हैं ये माहदे का हिस्सा होने चाहिए थे, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी। अफगान तालिबान किस बात पर उनको इतना कॉन्फिडेंस था, क्या इतना उन्होंने यकीन कर लिया अमरीका पर कि अमरीका उनकी जो है ना वो इमदाद रोकेगा नहीं, उनको पैसे मिलते रहेंगे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या थी? नहीं देखिए, वो वजह ये थी कि तालिबान ये समझ रहे थे कि जो जो बाइडन ने जो ऐलान किया है कि फोर्सेस अफगानिस्तान से वो विड्रॉ करेंगे चाहे जो कुछ भी हो, तो उसके इतना इम्पेटिक अनाउंसमेंट के बाद उनको ये इल्म हो गया था कि अब तो एक नया चैप्टर खोलने वाला है और अमरीका यहाँ से खुद जा रहा है और अमरीका ने खुद तस्लीम कर लिया कि उनका मजीद वहाँ रहना कोई अमरीका के मफाद में नहीं है। तो फिर तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका जो है हमारे जो हमारे अपने जो फंड्स हैं उनको मुजमित कर लेगा, उनको रोक लेगा। ये बात तो एक किस्म से बिल्कुल वो देवर एब्सोल्युटली शॉक्ड, वो तो हैरान हुए कि ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया। वो तो ये आज भी ये कह रहे हैं कि हमने जो मुआहदा किया था दोहा में उसकी हमने पासदारी की, लेकिन अमरीका उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, अमरीका उसकी पासदारी नहीं कर रहा और इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो जवाब दे क्यों नहीं कर रहा। अमेरिका आज तक कोई रेशनल एक्सप्लेनेशन पेश नहीं कर सका कि फंड रोकने की वजूहात क्या है।